अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मेरे आप सब खैरियत से हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूं, गाजर का खीर। इसके लिए मैंने 1.5 किलो दूध लिया, इसको गाड़ी में ऐड कर दिया। अब इसके लिए मैंने गाजर लिया 1 पाव, उसको मैंने ग्राइंडर से ग्राइंड कर लिया था। 1/2 किलो उसमें पानी ऐड किया गाजरों में। अब हम गाजर का पेस्ट जो बनाया ग्राइंड करके वो दूध में शामिल करेंगे। जो चावल मैंने 1 पाव ग्राइंड कर लिए थे, ये भी इसमें शामिल करेंगे। अब इसको हम 25 से 30 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। 25-30 मिनट इसके लिए हमें लगेंगे कि हल्की आंच पे पकाने के लिए। तो अगर आप लोगों को प्लीज़ ये ट्राई कीजिए इस रेसिपी में, अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें मैंने चीनी ली है, चीनी 1 पाव मैंने चावल लिया था, 1 पाव ही चीनी ली है। अगर इसमें कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। 1/4 चम्मच मैंने नमक का लिया है, 2 छोटी इलायची के दाने मैंने निकाल के इसमें ऐड किए हैं, और इसमें अब किशमिश मैंने इसके लिए ली थी वो इसमें शामिल करेंगे। खोपरा कश किया हुआ था वो ऐड करेंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। ये हमारी डिश पक के तैयार हो चुकी है, अब हम डिश आउट करेंगे इसको। इसके माइग्रेशन के लिए मैंने ली थी खोपरा कटिंग किया था और कश किया, बादाम मैंने लिए और काजू लिए। तो हम इसके साबुत करेंगे, ये काजू मैं इसमें लगा रही हूँ, ये बादाम है। अब ये खोपरा जब कश किया था वो उसको किनारों पर रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।